या बातमीचे प्रायोजक आहेत एमके अप्सरा गॅरेज, नामवंत मिझो कंपनीचे सीएनजी एलपीजी किट बसवून व टेस्टिंग करून मिळेल. आमचा पत्ता अक्कलकोट रोड, लक्ष्मी मंदिर शेजारी, सोलापूर. काँग्रेस पक्षाने तिकीट नाकारल्यावर मुंबईतील दिग्गज नेते रवी राजा यांनी भारतीय जनता पार्टीत पक्षप्रवेश केला आहे. 44 वर्ष काँग्रेसचे काम केले, आज काँग्रेस सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. 5 वेळा नगरसेवक, मुंबई महापालिकेचा विरोधी पक्ष नेता, अशा उच्च पदावर काम केलेले असतानाही आमदारकीची तिकीट मागतो तेव्हा दिले जात नाही, त्यामुळे नाराज होऊन भाजपमध्ये प्रवेश केल्याचे रवी राजा यांनी मुंबईत सांगितलं आहे. देखिए, मैं 24 साल से कांग्रेस पार्टी का 24 साल से मैंने कांग्रेस पार्टी का काम किया और 24 साल के बाद आज वो कार्यकाल के बाद जो कांग्रेस छोड़ने का जो एक निर्णय लिया है, निर्णय लेने का यही था कि जो 5 बार नगर सेवक बना, जो मुंबई महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेते थे और मैं 5 बार जब नगर सेवक चुनकर आया तो साइन कोलियाड़े से चुनकर आया. और जब हम एक नगर सेवक क्या चाहते हैं कि आगे एमएलए बनना चाहिए, और जब हम एमएलए के टिकट मांगते हैं तो वहाँ पर कोई कंसीडर की नहीं जाती है, यानी मेरिट का कंसीडरेशन कांग्रेस पार्टी में नहीं है. सिर्फ जो दिल्ली में पहुँच रखता है, जो दिल्ली में लॉबिंग करता है, जो बड़े बड़े नेता का लॉबिंग होता है, उनको ही टिकट मिलने का काम यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी ने किया है. और साथ में हमारे बाजू के धारावी वार्ड में देखिए, जो धारावी वार्ड में जो टिकट दिया गया है वो 4 महीना नहीं हुआ वो मेंबर बना है कांग्रेस पार्टी का और उसको टिकट दिया गया. आपके बाजू में साइन कोलियाड़े में 25 साल से मैं नगर सेवक हूँ, जो 4 महीने के पहले पार्टी में आते हैं उसको टिकट दिया जाता है और जो 25 साल से नगर सेवक है उसको टिकट नहीं दिया जाता है. तो ये जो कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से टिकट बांटा गया है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जानबूझकर एक सीनियर नेता को या इस प्रोग्रेस में बाहर रखने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है. उससे नाराज होकर मैंने ये कदम उठाया है और अब मैं बीजेपी का एक सदस्य बन गया है और बीजेपी में मैं अब उपाध्यक्ष, मुंबई का उपाध्यक्ष बनाया गया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ. रविराजा जी, क्या वर्षा गायकवाड़ आपके रिवॉल्ट के पीछे हैं, क्योंकि उनकी बहन को जो है वो टिकट दिया बिना अनुभव के, आपके पास 40 वर्ष का अनुभव है, बावजूद इसके आपको टिकट नहीं दिया गया? तो मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष है और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष का तो पूरा से होता है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में. और जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आप देखेंगे, एक ही परिवार को धारावी, एक ही परिवार को देने का एक कांग्रेस ने एक, मुझे लगता है उनको एक एग्रीमेंट या ऐसा बना के दिया है क्या? उनका पिताजी एमपी थे, उसके बाद वो एमएलए थी, उसके बाद वो एमपी बने, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, उसके बाद उसका बहन को टिकट दिया गया. यानी बाकी के जो लोग हैं मुंबई में, कार्यकर्ता जो लॉयल है, बहुत लोग हैं. अब आपने देखा होगा मोहसिन हैदर के बारे में, आपने सुना होगा. और कुछ लोग जो मुलुंड में रहते हैं उसको बोरीवली का टिकट देने का काम किया है. बहुत बड़ा धांधली हुआ है और ये धांधली के पीछे कहीं ना कहीं मुंबई के जो बड़े लोग हैं, जो पद में बैठे हैं, ये उसमें इन्वॉल्व है. देखिए, बात ऐसा है कि उसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें गड़बड़ घोटाला और कंसीडरेशन से हुआ है. पेट्रोल दरवाढीला कंटाळलात, पेट्रोल भरून खिसा खाली होतोय, अवरेज देखील मिळत नाही, तर चिंता सोडा. आजच आपल्या 4-चाकी वाहनांना सीएनजी किट बसवा व पैशाची भरघोस बचत करा आणि माइलेज देखील वाढवा, तेही कमीत कमी खर्चात आपल्याच शहरात. मान्यता प्राप्त नामवंत मिझो कंपनीचे सीएनजी एलपीजी किट BS6 बसवून मिळेल, तसेच सीएनजी एलपीजी टँक टेस्टिंग करून मिळेल. तुमचा विश्वासच आमचा ध्यास. आमचा पत्ता एमके अप्सरा गॅरेज,
अक्कलकोट रोड लक्ष्मी मंदिर शेजारी सोलापुर। कॉन्टैक्ट 7385800875 9359828428।